सोशल मीडिया पर न जाने कितनी जगह ऐसी हैं, एक तो सीधे हराम है, उसकी बात ही नहीं कर रहा, जो चलती फिरती तस्वीरों की नजासत है, चाहे वो रुकी हुई तस्वीरें हों चाहे चलती फिरती, दोनों हराम है, मुतलक हराम है। मेरे बच्चे और जवान सुन लें, चाहे वो नामहरम का चेहरा देखना हराम है, तब फोटो देखना हराम है, तब आप उसे ना पहचानते हो, वो मामला फोटो देखने का है। जब फोटो सिर्फ लज्जत की निगाह से देखा जा रहा हो, तो हर चीज़ जो लज्जत की निगाह से देखी जाए और नफसानी ख्वाहिश को भड़काए, वो हराम है। और हराम जो है, अल्लाह ने बानिय तंजीम के जुमले हैं कि जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं रेड लाइट से पहले, ताकि आप 170 की स्पीड से हाईवे पर दौड़ रहे हैं तो पहले ही स्पीड ब्रेकर आना शुरू हो जाते हैं, आगे टोल टैक्स है ताकि ऐन वक्त पे ब्रेक न लगा पाए तो एक्सीडेंट ना हो जाए, उसी लिए अल्लाह ने हराम से बचने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए हैं। अगर हमने स्पीड ब्रेकर तोड़े तो ऐन वक्त एक्सीडेंट होने के अलावा निगाहें झुका लें, टच ना करें, तन्हाइयों में जमा ना हो, जहाँ जहाँ गुनाह के इम्कान, खुदा ना करे, मैं सराहत से इसलिए कहने मजबूर हूँ कि सराहत से ना कही जाए बात तो नहीं पहुँचती, अगर दो जवान लड़के भी ना गंदी तस्वीरें या मूवी मोबाइल पे एक साथ बैठ के देख रहे हैं तो हराम में पड़ने का उतना ही इम्कान है जैसे नामहरम लड़की के साथ जमा होंगे। मैं सदा सराहत नहीं करूंगा, लेकिन ये खतरात चूँकि बेडरूम के अंदर पहुंच गए हैं, जेब में पहुंच गए हैं, इसलिए मुझे साफ साफ कहना है, मैं अपने जवानों बच्चों से कहना चाहता हूं, खुदा के लिए ये न खोलो, इसलिए कि एक बार तुम खोल दोगे उसको कहीं तो तुम कुछ भी करने निकलोगे, हत्ता कि मजलिस खोलोगे तो उसमें भी वो ओरियाँ चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी।